असलामुअलैकुम, मिस डॉक्टर सना असलम, आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि माइग्रेन राजी जी पाल नाखून और लेजर स्पेशलिस्ट। अच्छा, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर आई एम ऑल्सो ह्यूमन, और आई हैव मुझे शौक है मोटिवेशनल स्पीकिंग का, लोगों को मोटिवेट करने का। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल। इसके अलावा जो है लाइक कीजिए मेरी फेसबुक पेजेस, मेरे अपने नेम पे हैं डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सना असलम भैया ऑफिशियल्स, एक ग्रुप है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सना असलम के नाम से, और एक हमारे क्लिनिक के नेम पे पेज है हार्ट एंड स्किन केयर क्लिनिक भैया के नाम से। ठीक है। आज अगेन मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा हम डिस्कस करें कुछ इशूज़ को, कुछ चीज़ों को, तो इसमें थोड़ा सा मोटिवेशन के बारे से करेंगे और कुछ बात जो है मैं वो अवेयरनेस पे करूँगी आप लोगों को कुछ नॉलेज देने के लिए। तो पहले मेरा ख्याल है थोड़ा सा नॉलेज कर लेते हैं, उसके बाद मोटिवेशन की तरफ कर लेते हैं। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि फेस करने पड़ते हैं बीइंग अ डॉक्टर बीइंग अ ह्यूमन और आप लोगों को बीइंग अ पेशेंट, यानी हमारा कंबाइन मसला होता है। उसमें हम लोगों को और तरह से उसमें प्रॉब्लम आता है, आप लोगों को और तरह से उसमें प्रॉब्लम आता है। तो वो क्या होता है कि व्हेन अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब समथिंग, जब हम कुछ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो हमें ना डिफरेंट लेवल्स पे रेजिस्टेंस आता है। और अनलकीली मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता होगा, क्योंकि हम लोग हैं अभी उस तरह से डेवलप नहीं है। हमारे यहाँ तो इशू बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है। उनके डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा तो उस पर 100 तरह के लोग होते हैं ओपिनियन देने वाले, यानी जब मेरे मुझे ज़्यादातर मुझे फीडबैक देते हैं कि उनके किसी फ्रेंड ने उस पर क्या कमेंट कर दिया, या मेडिकल स्टोर वाले ने क्या कह दिया, या फलां बंदे ने ऐसे कह दिया, तो मुझे मतलब हैरत होती है कि चलें मतलब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। आप एजुकेटेड लोग कैसे लोगों की बातों में आ सकते हैं? ठीक है। अब जो डॉक्टर का काम है, ऑथेंटिक डॉक्टर है अगर उसका अपनी फील्ड में वो एक्सपर्ट है, उसके पास डिग्री है प्रॉपर, वो मतलब एक प्रॉपर उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, तो ऑब्वियसली क्योंकि कुछ सोच कर ही दवा लिखेगा ना, चाहे वो दिल का डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिसिन मेडिकल फिजिशियन हो, हाँ वो डर्माटोलॉजिस्ट हो, कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो। अब जो इसके लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी एजुकेशन होती है स्पेशलाइजेशन के लिए, यानी 5 ईयर्स MBBS होता है, उसके बाद 1 ईयर का हाउस जॉब होता है, फिर इंडक्शन से पहले कुछ हमें करना पड़ता है डिफरेंट जगहों पर काम वगैरह, DHUs वगैरह में, उसके बाद इंडक्शन होती है। ठीक है। और उसमें जो तो FCPS है वो तो 5 कुछ स्पेशलिटीज़ में 4 ईयर्स का है, कुछ में 5 ईयर्स का है, डिपेंड करता है, यानी ये 11-12 साल की मुसलसल एजुकेशन है। उसके बाद वो इंसान उस लेवल पर पहुँचा कि वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखे। तो आप कैसे एक अनरिलेटेड बंदे को, जिसका काम आपको सिर्फ मेडिसिन पकड़ाना है, या आपके फ्रेंड्स वगैरह वो जिनका इस स्कोप से ताल्लुक ही नहीं है, कैसे उस पर रिलाई कर सकते हैं? और दूसरा, फिर अक्सर वो कहते हैं कि हमने गूगल किया तो उसमें हमने फ़लाँ मेडिसिन के फ़लाँ साइड इफ़ेक्ट्स देखे। अगर देखें गूगल इतना गूगल इसको उतार सकते हैं, हम लोग भी कंसल्ट करते हैं, अगर गूगल ने ही ट्रीट करना है, आपने गूगल के कहने पर चलना है, देन वाई पीपल नीड टू कम टू द डॉक्टर्स? यानी लेट्स सपोज आपको दाने थे या छाइयाँ थी, मैंने या किसी भी डॉक्टर ने डर्माटोलॉजिस्ट ने आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन दी, आप जाकर उससे गूगल करेंगे तो आप सिंपल पैनाडोल ले रहे होते हैं फीवर वगैरह के लिए, या मल्टीवाइटमिन कोई भी ले रहे होते हैं, आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं, कभी उनके साइड इफेक्ट्स गूगल करके देखिए। तो जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो रिस्क वर्सेस बेनिफिट होता है, उसमें हमें देखना होता है कि किस तरह से है, और एक कैलकुलेटेड प्रॉपर तरीके से ली जाए, प्रॉपर गाइडेंस के साथ ली जाए, तो मिनिमल होते हैं साइड इफेक्ट्स, और थोड़ा बहुत इरिटेशन वगैरह या इसमें आपको टॉलरेट करना पड़ता है। कुछ इशू अगर ज़्यादा वो करते हैं तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास आएंगे, खुद से गूगल करके या अपने फ्रेंड्स के लोगों के कहने में आकर, मेडिकल स्टोर वालों के कहने में आकर, काइंडली प्रिस्क्रिप्शन चेंज ना करें और खुद से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ला दें। तो ये चीज़ थी जो मैंने बहुत ही ज़्यादा देखा है, जो प्रॉब्लम्स करती है। फिर हमारे यहाँ अंदर के लिए एक प्रैक्टिस ये होती है कि लोग जाते हैं कोएक्स के पास, गली मोहल्ले के डॉक्टर्स के पास, डिस्पेंसर्स के पास, या इवन हमारे कुछ GPs हैं साथ भी, वो क्या करते हैं कि छोटी सी बात पर इंजेक्शन लगा दिया, छोटी सी बात पर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी, अनलकीली इतनी एंटीबायोटिक करवा जो चुके हैं, कैंडीज़ की तरह एंटीबायोटिक चलती है, कैंडीज़ की तरह मतलब स्टीरॉइड्स, पानी की तरह स्टीरॉइड दिए जाते हैं, जैसे पानी से फेस वॉश करें ना, ऐसे स्टीरॉइड ठोक ठोक के लोग लगा लेते हैं स्टीरॉइड और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। तो अब एंटीबायोटिक दे देकर क्या होगा कि जब आपको वाकई इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, रेजिस्टेंट डेवलप हो जाते हैं। हर चीज़ का इलाज आम खा के दी हुई एंटीबायोटिक नहीं होती, बिना वजह के लगाए हुए स्टीरॉइड या खाए हुए स्टीरॉइड नहीं होते, हर चीज़ का इलाज इंजेक्शन नहीं होता। ठीक है। और हमारे यहाँ ये हेपेटाइटिस BC एड्स फैलने के बहुत कॉमन रीजंस भी हैं कि इंजेक्शन लोग आते हैं, इंजेक्शन ना लो दें तो जान निकल गई होती है, कि टीका क्यों नहीं दिया, मेडिसिन भी ठीक है
मेडिसिन ही ट्रीट कर। तो देखिए ज़रूरत नहीं होती, जिनको ज़रूरत होती है ना उन्हीं को दिया जाता है चीज़ें। तो काइंडली आप लोग इसको मतलब ना किया करें, जैसे आपको डॉक्टर गाइड करें, लर्न टू ट्रस्ट योर डॉक्टर इफ यू वांट टू गेट हेल्प। अच्छा थोड़ी लंबी होगी वीडियो, मोटिवेशन की मैं नेक्स्ट वीडियो आती हूँ, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर स्किन, एंड काइंडली इफ़ यू आर एजुकेटेड बी लाइक एजुकेटेड पीपल, ठीक है। इधर उधर किसी भी हमारी बातों में ना आए, किसी भी जिंदगी के किसी भी शोभा में। जैसे मैं आपको कोई कंप्यूटर पे एडवाइस दे दूँ तो मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मैं आपको कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड दे दूँ तो मैं तो उसकी एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, ठीक है। इवन आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक, तो मैं आपको कहूँगी कुकिंग इस तरह से आप पढ़ो, आप मेरे कहने पर करेंगे खाना जला ही देंगे, खराब ही कर देंगे। तो जो जिसकी स्पेशलिटी है उसी के रहने में ट्रस्ट करना सीखें। अगर चीज़ का इलाज गूगल नहीं होता, अगर गूगल इलाज हो सकता तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।